पिताजी को यहाँ से सक्सेसफुल उम्मीदवार ठहराएंगे और पूरी जोश और लगन साथ काम करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। चंडीगढ़ की सीट नू लेके हमेशा ही गलबात चलती थी कि ना संजय टंडन साहब का चलता थी। उम्मीद तो होती थी लेकिन आपको भी पता है कि ये फैसले सेंट्रल टीम ही करती है। तीन आपको क्या खूबियां लगती हैं टंडन साहब में जो आपको लगता है कि अब एमपी बनेंगे? संजय जी में सभी खूबियां हैं। आप काम करना चाहते थे, अब उनको मौका मिला है तो काम भी जरूर करेंगे। चंडीगढ़ तो बीजेपी के सीनियर लीडर संजय टंडन नू बीजेपी वालों लोक सभा सीट का उम्मीदवार जिहड़ा घोषित किया गया है, तो इस समय संजय टंडन के घर मौजूद हाँ। तो कई सैकड़े वर्कर इधर आ रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो उन्होंने संजय टंडन के वाइफ साढ़े नाल ने गल कर लें। किस तरह का फील कर रहे? एक बड़ी तपस्या चंडीगढ़ की सीट नू लैके हमेशा ही गलबात चलती थी कि ना संजय टंडन साहब का चलता थी। पिछले 10 सालों की गल की जाए, 10 सालों के भी हमेशा चोणों में उम्मीद होंगी थी तुहानू भी कि हाँ जी? उम्मीद तो होती थी लेकिन आपको भी पता है कि ये फैसले सेंट्रल टीम ही करती है और जो भी फैसला होता है उसी के मुताबिक सब चलते हैं, चलना भी चाहिए। तो इस बारी उन्होंने संजय जी को चुना है इस सीट में, संजय जी को इस काबिल समझा है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो भगवान की कृपा हुई, भगवान के शुक्रगुजार हैं। तो आप तो उनके बेटर हाफ है, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो उनका था एक तरह से सपना भी था उनका चंडीगढ़ के इलेक्शन लड़ने का लोकसभा? जी हाँ, क्यों नहीं था, वो तो चाहते थे लड़ना इलेक्शन, क्योंकि चंडीगढ़ की समस्याओं को जितना वो समझते हैं शायद ही कोई समझता है, तो काम करना चाहते थे, अब उनको मौका मिला है तो काम भी ज़रूर करेंगे। आपको कब पता लगा कि नाम अनाउंस जो है बीजेपी की तरफ से, हाई कमांड की तरफ से कर दिया गया, और करने के बाद फैमिली का रिएक्शन कैसा था, खासकर संजय जी का? आज ही तो सुबह न्यूज़ आई थी तभी पता चला था, आई थिंक अराउंड 1:15 था शायद टाइम। सबसे पहले क्या रिएक्ट करा, किसने रिएक्ट करा जब पता लगा? सबसे पहले आपको पता लगा, संजय जी को पता लगा? उन्होंने तो कहीं गए हुए थे जी कोई प्रोग्राम में, और मैं ही थी घर में, बच्चे थे, तो हम लोग ने देखा न्यूज़ में तो खुशी तो हुई। हाँ जी, संजय जी से बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो किसी प्रोग्राम में बैठे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कभी कभार तो 5-10 मिनट तो पता ही नहीं लगता कि आखिर ये बात सच्ची भी है कि नहीं है, कैसे रिएक्ट करें कैसे नहीं करें। आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ नहीं, एक हाँ कह सकते हैं कि एक बार ये, अब क्या कहें अच्छा लग रहा है बस, ये मेरा बेटा है जी छोटा। हाँ जी, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आपको भी बधाई पूरे शहर में बधाई, पूरे देश वर्ष में बधाई हो, ठीक है। पिताजी को यहाँ से सक्सेसफुल उम्मीदवार ठहराएंगे और पूरी जोश और लगन साथ काम करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। एक चीज़ के पीछे एक सपना होता है कि ये चीज़ अचीव करनी है, इधर तक पहुँचना है, और उस चीज़ को सालों लग जाते हैं, जब सालों बाद साकार होती है फिर कह रहे हैं कि बंदा इमोशनल भी बहुत हो जाता है। फैमिली भी बहुत इमोशनल हुई? बिल्कुल बिल्कुल जी। जहाँ पे सेवा भाव होता है, जहाँ पे किसी कार्यकर्ता का एक मन लगा रहता है कि लोगों की भावनाओं को अदा करना है, लोगों की मदद करनी है, हम तो बलराम जी दास टंडन जी के ग्रैंडसन हैं, दादाजी को भी देखते हुए आए हैं। दादाजी ने पब्लिक लाइफ में 50-60 साल अदा करे हैं एंड लोगों की बहुत मदद करी है। अब पिताजी को भी एक अवसर मिला है लोगों की हेल्प करने का एंड वो उसको पूरा करेंगे, इसी चीज़ की कामना करते हैं। लगता नहीं कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और काफ़ी सालों से लगे भी हुए थे, हिमाचल में भी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी, उसके बाद अब फिर चंडीगढ़ से जिम्मेदारी मिली है, और क्या लगता है कि अब चंडीगढ़ के लाखों लोग हैं उनके बीच में जाना पड़ेगा, हर एक चीज़ बात करनी पड़ेगी। हालांकि कार्टर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है बीजेपी का, कह रहे हैं वॉलंटियर, हज़ारों वॉलंटियर लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखो, आदमी की जो वैल्यू सिस्टम होता है एक लाइफ, मेरे पिताजी ने अपने एथिक्स और मॉरल्स के बेस पर बनाई है, और उसी चीज़ को यूज़ करके वो लोगों की हेल्प करते हैं।
तीन आपको क्या खूबियां लगती हैं टंडन साहब में जो आपको लगता है कि अब एमपी बनेंगे? संजय जी में सभी खूबियां हैं, अब क्या कहें आपको। नहीं, ये सवाल ठीक नहीं है। संजय जी काफी हम्बल हैं, जब भी किससे बात करते हैं वो देखते नहीं कि अगला बंदा कौन है, बस काफी हम्बल हो गए। आपको क्या लगता है आपके फादर साहब में तीन ऐसी खूबियां क्या है जो चंडीगढ़ के लोग उसको एडमायर करेंगे? आई थिंक माई फादर ही इज़ एन अमेजिंग मैन मैनेजर, एंड जो ये रोल इनको पिताजी को प्रोवाइड करा गया है अभी, इट इंटेल्स डीलिंग विद पीपल, इट इंटेल्स डीलिंग विद द पब्लिक। सो आई थिंक ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीबडीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लेवल्स। सो विद रिगार्ड टू दैट आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग मैन मैनेजर। जब आपको पता लगा कि अब नाम अनाउंस हो गया, आपके मन में सबसे पहली फीलिंग, अपने दिमाग में क्या ख्याल आया था? हमारा ये है कि हमारी जिस चीज़ में वी कैन हेल्प आवर फादर आदेश, दैट इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। लगता नहीं कि एक तरह की तपस्या भी थी टंडन साहब की, सालों की तपस्या थी? सालों की तपस्या हो तो करोड़ों सालों की तपस्या होगी जो अभी हुआ है। सो बस वी आर जस्ट वेटिंग नाउ टू कैंपेन, एंड यहाँ से पिताजी को सक्सेसफुली जिता के भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय टंडन जड़े ने बीजेपी के सीनियर लीडर ने, और सवेरे तो ही जेडे वर्करस ने और जेडे भी उन्होंने चोन वाले ने इधर पहुँच रहे ने, और इधर कितना कितने खुशी का माहौल काफ़ी हैगा और मूँह मिठा सब का कराया जा रहा है। तो फैमिली ने उन्होंने की गलबात की है, संजय टंडन नाल भी गलबात करने की कोशिश करा। फिलहाल सारिया तस्वीरों लैके तुम की सोचते हो सू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दो।